सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो अब तक के एपिसोड में आप बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं कि माइकल क्या करता है, फ्रैंकलिन क्या करता है और भाई नेस्टर क्या करता है। तो भाई नेस्टर के साथ मिलकर माइकल ने अभी एक नया प्लान बनाया है कि हम एक ज्वेलरी शॉप लूटेंगे, जिसका प्लान ये ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं बहुत सारे एंगल्स में। ये वहाँ पर किस एंगल से हम एक जहरीली गैस फेंकनी है जिससे वो बेहोश हो जाएंगे, कितना टाइम हमें मिलेगा, कैमरा कैसे हैक करना है, लोकेशन कैसे सेट करनी, ये सारी चीज़ें ये पहले से सेट कर चुका है और अब हमारा काम है उस प्लान को अंजाम देने का। बाकी पूरी की पूरी टीम जाएगी आगे नीले कलर की वैन में और मैं और फ्रैंकलिन जाएंगे हमारी कार में, बिकॉज हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना है प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। और प्लान कुछ ऐसा है कि हम पहले ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे, पहले वहाँ पर मुआयना करेंगे कि आसपास ज़्यादा पुलिस तो नहीं है। फिर फ्रैंकलिन क्या करेगा, फ्रैंकलिन उस लाइक बिल्डिंग के छत पर जाकर, यहाँ पे एसी डक है जहाँ से एसी की हवा क्लीन होकर आती है, वहाँ पर एक जहरीली गैस फेंक देगा। भाई उस गैस से वहाँ पर जितने भी कस्टमर्स होंगे, स्टाफ होंगे, उन सबको प्रॉब्लम होगी और वो कंप्लेंट रेज करके थोड़ा सा टाइम वहाँ पर एक्सटेंड कराएंगे, जिसके लिए स्टोर बंद कर देंगे और सिर्फ वहाँ पर क्लीनिंग वाले और एसी ठीक करने वाले रहेंगे। हम उन्हीं की अभी यूनिफॉर्म में है जो कि इजी ठीक करने वाले होते हैं, तो प्रॉब्लम भी हम ही क्रिएट करेंगे और सॉल्यूशन भी हम ही देंगे। बेसिकली उन्हें अपने ट्रैप में फंसाना है और उसके बाद हमें उस शॉप को लूट लेना है। तो गाइज मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो शॉप है ये बहुत ही लग्जरी शॉप है, इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड जैसे वर्साची हो गया, कार्टियर हो गया, इसके लग्जरी लाइक आर्टिकल्स इसमें रखे हुए हैं। तो भाई फ्रैंकलिन अपने प्लान के हिसाब से ऊपर जा रहा है। पहले उसने अपना लाइक थ्रोएबल ग्रेनेड सेलेक्ट करना है, जिसमें उसने जीबी गैस सेलेक्ट किया है। तो ये क्या है, एक जहरीली गैस है और जैसे ही इसको फेंकेगा ना, तो वहाँ पर जितने भी लोगों के कांटेक्ट में ये जाएगी उनको थोड़ा थोड़ा बेहोशी जैसा फील कराएगी और जहरीला फील कराएगी। तो वहाँ पर वो लोग तुरंत कंप्लेंट लॉग करके और उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। बस इसमें मैं आप लोगों से एक माफ़ी चाहूँगा कि ये मिशन स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज़ ऑफ करनी भूल गया था और वो है सुपर जंप। तो गाइस एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ इस मिशन को मान लेना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है और ऐसा करना मैं नीचे, मैं यूजुअली कोई मिशन ऐसे करता भी नहीं हूँ, सारी चीज़ें ऑफ करके ही करता हूँ, लेकिन इसमें ऑन रह गया। तो भाई ये हमारा वो मार्ग जहाँ पर हमें पहुँचना है, फ्रैंकलिन यहाँ पर पहुँचेगा और इस यंग मार्ग के आने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप करेगा। तो भाई सामने की तरफ जो बड़े पंखे वाला पोर्शन देख रहे हो स्क्वायर में, वहाँ से एसी की आवाज़ आती है अंदर। और भाई बिल्कुल सेट होकर इसने जहरीली गैस का जो कैन है वो फेंक दिया है उस एसी डक के अंदर। यहाँ पर हमारा काम हो गया है कम्प्लीट। अब हमें क्या करना है, नीचे जाकर देखना है कि क्या हाल है, और जैसे ही वहाँ पर हाल खराब होंगे हम पूरी टीम के साथ एंटर हो जाएंगे और तभी जो हमारी हैकर गर्ल है हमारी टीम में, वो सारे कैमरास को हैक करके बंद करके हमें विंडो देगी। भाई 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट, इतने मिनट का आपका टाइम है और इतने मिनट में कर लो जो करना है। भाई अंदर के सभी लोग हो गए हैं बेहोश और मैं, फ्रैंकलिन और माइकल, माइकल मैं और लेस्टर, हम तीनों घुस गए हैं इसके अंदर। और भाई अब हमें ज्वेलरी शॉप ड्रॉप करनी है, जिसके लिए हमें मिला है टाइम केवल केवल 1.5 मिनट, सिर्फ 90 सेकेंड का हमें टाइम मिला है। और नीचे अगर आप देख पा रहे हो रेड कलर में, तो उसमें दिखा रहा है वैल्यू। भाई जैसे जैसे हम लाइक ड्रॉ तोड़ रहे हैं, वहाँ से सामान खा रहे हैं, वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है। मेरे पास कुछ $100 थे और यहाँ पर हम लूटने के बाद अभी $12,000 हो चुके हैं, $14,000 हो चुके हैं। गाइस पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं एक्सट्रीमली, बहुत ही तगड़ी वाली है। और ये था वर्साची का काउंटर, भाई ये बहुत ही महंगी ज्वेलरी होने वाली है, $20,000। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे ठीक से देख नहीं रहा था, ये $25,00,000 है, 2,000 या $20,000 नहीं है, ये $25,00,000 है, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव फाइन ज्वेलरी है ये। इतने पैसे मिलने के बाद है ना, अभी देखिए हमारा जो अमाउंट है वो लाइक ग्रीन हो गया, मीन्स हम इस अमाउंट पे यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन मैं हूँ लालची और मेरा मन करता है कि मैं सारा का सारा सामान लेके यहाँ से निकलूंगा। जैसे ही माइकल बाहर एक ना बाहर एक पुलिस वाला फ्रैंकलिन से पंगे ले रहा था, उसके पंगे का पंगा करके उसने उसको लिटा दिया है और कह दिया भाई तो अपना काम पे जान दे, हमें अपना काम करने दे, हमने एसी कर दिया ठीक, अंदर जा रही ठंडी हवा लो तुम। भाई इतना बोलकर
फ्रैंकलिन को अपना बैग था वहाँ पर, उसने रवाना कर दिया है और माइकल चला गया दूसरे रास्ते। अब हम जाएंगे फ्रैंकलिन की तरफ से, क्योंकि अब हम फ्रैंकलिन का रोल प्ले कर रहे हैं। भाई हमारे जो अदर दो बंदे हैं वो भी अभी बाइक पर ही चल रहे हैं। अभी यार मुझे पता है क्या करना चाहिए, मुझे इनके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, और जब पुलिस मुझ पर अटैक करेगी ना तब तक वो दो बंदे काफ़ी आगे तक निकल चुके होंगे। तो भाई अब मुझे लगता है कि एरिया बिल्कुल क्लियर है और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाई मैं पूरी स्पीड में यहाँ से निकल गया हूँ यही सोचते हुए कि भाई अब सब कुछ सॉर्टेड है, उन दो बंदों को तो मैं पकड़ ही लूँगा, फिर मेरा नाम तो यार फ्रैंकलिन, और भाई मेरे से तेज बाइक चलाता कोई है नहीं इस पूरी सिटी में। भाई जैसा कि मैंने कहा था, उन दोनों बंदों को मैंने पकड़ लिया है, वो दोनों सेफली निकल गए थे आगे, और भाई यहाँ से मैं रास्ता भूल गया था, मुझे टाउन के अंदर से लेना था। तो भाई टनल के अंदर से हम उस लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं जहां पर लोग उस माल का बंटवारा करेंगे, और उस माल का बंटवारा करने के बाद एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई यार गेम खेलते खेलते, जो कि मुझे एक चीज़ की याद दिलाती है। आई एम श्योर आप लोगों को भी वो सेम ही लगेगा कि भाई धूम पिक्चर जो है धूम वन, वो कब आई थी? धूम वन आई थी 2004 में, और धूम वन में जिस तरीके से चोरी हुई थी ना, लाइक लोग पिज़्ज़ा बॉय बन के आ रहे थे, या लोग डिलीवरी बॉय बन कर आते थे, या फिर इलेक्ट्रिशियन बन कर आते थे और चोरी करते थे। उसके बाद चोरी करने के बाद वो क्या करते थे, एक अलग अलग रूट पे चले गए, पुलिस उनका पीछा कर रही है, और फिर लास्ट में जाकर एक सेम रूट पर मिले हैं, और वहाँ पर जाकर एक बड़े कंटेनर के अंदर उन्होंने अपनी बाइकें छुपा दी, और उसके बाद उस कंटेनर से वो लोग सिटी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि पुलिस वाले तो बाइक ढूंढ रहे होते हैं ना, कंटेनर से क्या मतलब पुलिस वालों को। भाई सेम केस के हिसाब से अभी आप लोगों को कुछ पता चलेगा, एंड आई एम श्योर कि GTA वालों ने इतनी बड़ी कंपनी ने हमारी इंडियन मूवी धूम को कॉपी करके मिशन डिज़ाइन किया है। जॉन अब्राहम हैट्स ऑफ टीवी, बहुत ही तगड़ा काम किया आपने, और भाई मज़ा ही आ गया देख के भाई इंडियन की इंडियन मूवीज़ को कॉपी कर रहे हैं GTA वाले। तो गाइस अभी हम ऑलमोस्ट बाहर पहुंच गए हैं इस लोकेशन के, और जैसे ही हम बाहर पहुंचे ना भाई पुलिस यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल थी, शायद उन ज्वेलरी में से किसी ज्वेलरी पे चिप भी लगी हुई थी। भाई अब हम रोल प्ले करेंगे माइकल का, क्योंकि माइकल वहाँ से अलग हो गया था हमसे, और वो इस ट्रक के साथ यहाँ पर हमारे लिए आया हुआ था। भाई ट्रक को तो बिल्कुल ऐसे चला रहा जैसे नैनो गाड़ी हो, फुल कंट्रोल के साथ है, यहाँ पुलिस की गाड़ी को हमारी टक्कर। भाई मुझे बस ये करना है अपने तीनों बंदों को ना पुलिस से थोड़ा सा अलग करना है, तीन तीन गाड़ियों के साथ पुलिस उसका पीछा कर रही है। अब भाई मुझे बस कुछ भी करके है ना उन तीनों गाड़ियों को बचाना है। तो भाई यहाँ पर एक गुम एक पुलिस वाली गाड़ी रुकी, एक गाड़ी उनका पीछा करी, इसको मारेंगे टक्कर। भाई रोको रोको ऐसी की थैसी। भाई तीनों बाइक वाले अभी चल रहे हैं, एक गाड़ी और आई, भाई इसको भी मारेंगे, इसको भी रोकेंगे, रुक रुक रुक। भाई तीनों बाइकें हमारी आगे निकल गई है, और अभी अभी ऐसा दिशा मिल रहा है कि हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और हमारे पीछे कोई पुलिस वाला है नहीं। काफ़ी हद तक हमने ये चीज़ें बचा ली हैं, और इस कॉर्नर पे मैंने इनको बोल दिया कि भाई मैं ट्रक रोक रहा हूँ, एक एक करके तुम लोग बाइक अपनी चढ़ा दो, और फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं सेफली। तो भाई सेम आपको याद होगा, पुलिस के छूटने के बाद वो सारे के सारे बाइकर एक साथ मिलते थे दो मूवी में, और ऐसी तरीके से एक एक करके ये लोग अपनी बाइक ट्रक में चढ़ा देते थे। अगर आपको अच्छे से याद हो तो भाई धूम मूवी में चलते हुए ट्रक पर बाइकें चढ़ती थी, और यहाँ पर रुक के चढ़ रही है, ये लोग धूम मूवी इतना भी नहीं कर। सो इंडियन सिनेमा इज वे बिगर देन GTA 5, या उससे भी बहुत ज़्यादा। और भाई विद्युत जामवाल का तो खैर क्या ही कॉपी कर पाएंगे GTA 6 में भी, भाई हमारा जो सिनेमा है वो बेस्ट। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आज की बकवास थोड़ी सी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई वीडियो में पसंद क्या है। वैसे तो मेरी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाइक्स कमेंट्स नहीं आते हैं, बट जितने आते हैं यार वो मोटिवेट करते हैं वीडियो आगे दोबारा बनाने के लिए। तो भाई उसमें कुछ लोग हैं जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, रेगुलरली लाइक कर रहे थे वीडियो को, ट्रस्ट मी आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। अगर आप लोग लाइक कमेंट करना छोड़ दो मैं शायद वीडियो बनाना ही छोड़ दूँगा, बिकॉज मोटिवेशन ही नहीं मिला। तो भाई मिशन को करते हैं यहीं पर कम्प्लीट, जहाँ पर इन लोगों ने पूरी रॉबरी को दिया है अंजाम, और भाई पैसा इतना ज़्यादा आ गया ना कि अब इन लोगों को कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। तो जब अगर इन लोगों को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो इनको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा,
और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए कैरेक्टर ट्रेवर से। ट्रेवर वही बंदा है जिसने फर्स्ट मिशन में माइकल का साथ दिया था और माइकल को मरी हुई हालत में, अधवरी हालत में छोड़कर वो भाग गया था। मे बी उसको पता भी नहीं कि माइकल जिंदा है, बट और माइकल को भी नहीं पता कि वो जिंदा है। लेकिन आगे देखते जब ये लोग आपस में मिलेंगे तो क्या होगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों का रखो ध्यान और आप सबको राम राम, बाय बाय।